मेरी तरफ से आप सबको प्यार भरी कृष्ण भरी गुड मॉर्निंग। तो आपको लग रहा होगा कि मैं कहाँ आई हूँ अभी। आज मैं फुल गोपी अवतार में हूँ, और गोपी अवतार में हूँ तो डेफिनेटली मैं कहाँ हूँ, वृंदावन धाम। तो आज की शुरुआत जो हो रही है हमारे नए ब्लॉग की, वो हो रही है वृंदावन धाम से। मैं आपको जो वृंदावन है वो एक अलग ही तरीके से दिखाऊंगी। आपने वृंदावन में मंदिर तो बहुत देखे होंगे, पर हम आज जो है वृंदावन की जो खूबसूरती है, जो इसका कृष्ण प्यार है, कृष्ण भाव है, मैं उसको पिक्चराइज करने की कोशिश करूंगी। तो आई होप आप लोग मेरे साथ बने रहेंगे और आपको ये ब्लॉग अच्छा लगेगा। तो आइए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं परिक्रमा से। तो पहला हम करेंगे परिक्रमा, फिर उसके बाद हम वृंदावन के बाकी जगहें घूमेंगे। आपने गोवर्धन की परिक्रमा सुनी होगी, पर हम अभी कर रहे हैं श्री कृष्ण धाम वृंदावन की परिक्रमा। और ये है तकरीबन 16-17 किलोमीटर, हाफ जो है वो पैदल करेंगे और जो थोड़ी सी परिक्रमा है वो हम ई रिक्शा में करेंगे, बिकॉज टाइम थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड है, तो उस हिसाब से वी हैव टू टेक ई रिक्शा। सो आइए करते हैं परिक्रमा। हरे कृष्णा। तो अभी हम परिक्रमा मार्ग पे हैं, और परिक्रमा मार्ग का जो पहला स्टॉप है वो है हमारी इस्कॉन की गौशाला। और भी बहुत सारी गौशाला है, तो आप कहीं पे भी जा सकते हैं। मकसद हमारा ये है कि गाय माता का जितना हो सके उतना हमें उनसे प्यार करना है, उनकी देखभाल करनी है। जैसे बोलते हैं जो कृष्णा है वो गोपाल थे, गौओं के रक्षक थे, तो हमें भी उनके गौओं के लिए जो प्यार है हमें उसको बरकरार रखना चाहिए, और हमें जो गायें हैं उनकी पूजा करनी चाहिए, ना कि उनका तिरस्कार करना चाहिए। सो ऑलवेज रिस्पेक्ट काओ, क्योंकि गाय में बहुत सारे देवी देवताएं हैं, तो इनको कुछ गलत करके अपमान मत करें। तो अभी गौ माता के ब्रेकफास्ट का टाइम है, तो हमने लिए हैं लड्डू, तो ज़रूर सेवा करें इनकी। मुझे थोड़ा अभी डर लग रहा है, मैंने कभी ऐसे हाथ पे नहीं खिलाया, पर मैं ज़रूर कोशिश करूँगी। तो गाय माता है उनको हमने ब्रेकफास्ट करवा दिया है। हालांकि इनिशियली आई वाज वेरी स्केर्ड, मैंने बहुत हिम्मत जुटाई और एक गाय को मैं खिला पाई बस, बट मैं कोशिश करूँगी कि आगे जब भी आऊँ मैं ज़्यादा गाय को खिला पाऊँ, क्योंकि ऐसे कभी पहले किया नहीं है। हम लोग रख देते हैं रोटी, बट जो कि ऐसे नहीं रखनी चाहिए, हमें हाथ से खिलानी चाहिए, क्योंकि ये जो कृष्ण की प्यारी हैं तो इनको प्यार करना तो हमारा फ़र्ज़ है। तो आज मैं सिर्फ एक गाय को खिला पाई हूँ, बट आई प्रॉमिस नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँगी तो थोड़ी ज़्यादा हिम्मत करके आऊँगी और मैं और ज़्यादा खिला पाऊँगी। ये एक्चुअली ज़्यादा इकट्ठी हो जाती ना, तो मैं डर के भाग गई थी पीछे। तो अभी चलिए हम अपनी परिक्रमा को आगे कंटिन्यू करते हैं। वृंदावन परिक्रमा में अगला स्टॉप है हमारा कालीदेह टेम्पल। दिस इज़ द सेम प्लेस वेयर लॉर्ड कृष्णा डिफीटेड कालिया नाग, एंड आफ्टर दैट ही डांस्ड ऑन इट। कालिया नाग बहुत लकी हैं जो उनके सिर पे श्री कृष्ण के चरण पड़े और उनको बहुत सारा आशीर्वाद मिला श्री कृष्ण का। तो आइए चलते हैं अंदर दर्शन करते हैं। ये टेम्पल है, यहाँ पे फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अंदर पिक्चर के लेना अलाउड नहीं है, तो हमने नहीं ली। तो हमारा जो दर्शन है वो हो गए हैं, और यहाँ पे एक वृक्ष है जिसकी हमें ने कहानियों में बहुत सुना है कि श्री कृष्ण उस पर चढ़कर उसकी टहनी से यमुना जी ने उन्होंने छलांग लगाई थी। तो हमें बस इतना ही पता है, हमें इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो वो नॉलेज हमारी जो है वो गेन हम करेंगे प्रभु जी से। प्रभु जी हमें बताएंगे कि इस वृक्ष की जो महानता है वो क्या है। वो पहले आप दिखाइए, ये कालिया घाट का कदम का पेड़ है, इसके ऊपर ये स्वयं स्फूर्त बना हुआ अमृत कलश है। तो महाभारत में बहुत सुंदर लंबी कहानी आती है, जब भी गरुड़ की माता विनता देवी को कद्रु देवी के द्वारा दास्यत्व प्राप्त हुआ था, एक लंबी कहानी है उसकी। उसकी वजह से कद्रु देवी ने
विनीता देवी जो अपनी सौतन भी है और बहन भी है, एक ऐसी घटना हुई थी जिसमें उन्होंने उनको ऐसा बता दिया कि आप और आपके बच्चे मेरे दास बनेंगे। तो फिर कद्रु देवी को सर्पों का जन्म प्राप्त हुआ, मतलब सर्प प्राप्त हुए पुत्र के रूप में, और विनीता देवी को गरुड़ जी प्राप्त हुए, और विनीता देवी दास्यत्व करती रही। फिर एक दिन गरुड़ जी परेशान हो गए, उन्होंने मैया को पूछा कि मैया ये कब तक दास बने रहेंगे इसके, हम कब मुक्त होंगे। तो मैया ने कहा कि आप कद्रु देवी को जाके पूछो, क्योंकि उन्होंने ही दास्यत्व का शाप दिया है, वही मुक्त करा सकती है। तो वो कद्रु देवी के पास गए, पूछे मैया कब तक हम दास बने रहेंगे, कैसे मुक्त होंगे। तो उन्होंने एक इम्पॉसिबल सा एक टास्क दे दिया उनको कि आप अगर स्वर्ग लोक से अमृत लेके आएंगे हमारे बच्चों के लिए तो हम दास्यता से मुक्त करेंगे। मतलब क्या है, जो इम्पॉसिबल है आप दास ही बने रहोगे। फिर भी महाभारत में एक पूरा अध्याय है गरुड़ महात्म्य का। गरुड़ ने महापराक्रम करके चंद्र देवता के पास जो स्टॉक में रखा हुआ था वो अमृत कलश लेके आए, और जब वो रस्ते में थे तो जमुना जी के पास वृंदावन आए। जब भी हम नदी के पास आते हैं ना तो कभी नदी को प्रणाम करके आचमन करना चाहिए। तो उन्होंने यहाँ पर उनको कलश को रखा और जमुना जी में आचमन किया, फिर कुछ बूंदे इस वृक्ष पर डाली आगे देख कर कि 28वें द्वापर युग में कृष्ण आएंगे और कालिया का दमन करेंगे। तो उन्होंने यहाँ पर रखा भी कलश और कुछ बूंदे भी डाली, इसलिए ये पेड़ जो है कालिया के विषय सब कुछ सृष्टि समाप्त हो गई थी, लेकिन ये पेड़ हरा भरा था। और फिर इसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर महाकुंभ होता है, जो मूल महाकुंभ है वो वृंदावन का है, उसके बाद में चार जगह कुंभ होता है। जय जय श्री राधे, हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। तो प्रभु जी ने हमें अभी अभी बहुत अच्छी स्टोरी बताई है जो हमें नहीं पता थी और हमें पता होनी चाहिए। तो ऐसे ही अगर आप ऐसे धाम आते हैं तो आपको कहीं ना कहीं नई नई लीलाएं कृष्ण की सुनने को मिली जाती हैं। तो आइए हम अपनी परिक्रमा को आगे कंटिन्यू करते हैं। दिस इज अनदर एंशियंट टेम्पल। वृंदावन की परिक्रमा करते हैं तो कालीदेह मंदिर के अगला जो टेम्पल है वो ये मदन मोहन टेम्पल है। बहुत ही खूबसूरत टेम्पल है, और चलिए आके ऊपर देखते हैं कि और क्या है। मैं खुद पहली बार जा रही हूँ यहाँ पे। वृंदावन बहुत बार आई हूँ पर यहाँ कभी नहीं है। एक्चुअल वृंदावन आज एक्सप्लोर कर रही हूँ मैं। कृष्ण अपने दोस्तों के साथ खेलते थे, स्नान करते थे, तो ये उनका फेवरेट स्पॉट था। तो यमुना जी के बिना वृंदावन इज इनकम्प्लीट। तो अभी हम चल रहे हैं यमुना जी के अंदर बोटिंग करने, क्योंकि हम यमुना जी को थोड़ा करीब से देखते हैं। तो आइए चलते हैं और अंदर जाके बोटिंग करते हैं। इट्स अ बिट रिस्की हियर, बहुत स्लिपरी है, और मैं फर्स्ट टाइम मेरे को ड्रेस पहनी है। ये एक मिनट आप बैठना, मैं भूल जाऊं चप्पू चलाने के। तो भैया अभी चप्पू लेके आ रहे हैं, इतने में बैठने के लिए प्रयास करती हूँ। सो फाइनली मैं बोट में चढ़ गई हूँ। अभी ये बोट बहुत ज़्यादा हिल रही है, और मॉनसून का सीज़न है तो जो यमुना जी है उनका जो फ्लो है वो थोड़ा तेज़ है और भरी हुई है। तो जब लास्ट टाइम मैं आई थी तो यहाँ पे यमुना जी का इतना पानी नहीं था। तो अभी हम यमुना मैया में जा रहे हैं और बारिश हो रही है, गीले ना हो जाएं कपड़े, यही है, अम्ब्रेला भी नहीं है। और ये भैया चप्पू लेने गए हैं, पता नहीं कब तक आएँगे। चप्पू आया कि नहीं, चप्पू कहीं भैया चप्पू लेने जाए और हमारा चप्पू हो जाए यहाँ पे। तो हे कृष्णा प्लीज़ अब थोड़ी देर बारिश रोक दो, कपड़े फर्स्ट टाइम पहने हैं, है नहीं और। अरे वाह जलाया। तो भैया हमने कर लिया बोट चेंज, बारिश हो रही है, कपड़े हमारे पास है नहीं है। तो अभी हमने जस्ट हम बैठे ही थे वहाँ पे, और वहाँ पे जो है ड्रिजल होने लग गई है। ऐसा ना हो कि बहुत तेज़ बारिश आ जाए तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इसीलिए हमने बोट चेंज करी है। तो भैया बोलते हैं तो आप उसकी बजाय आप मोटर बोट पे बैठ जाइए, बात एक ही है, यमुना तो एक ही है। तो अब हम करेंगे यमुना जी की मोटर बोट में सवारी, और बस ये जो यमुना जी की राइड है वो शुरू हो चुकी है, और हम बिल्कुल सेंटर में हैं, और हल्की हल्की सी ड्रिजल हो रही है जिसकी वजह से और ज़्यादा मज़ा आ रहा है। Thank you.
हमारी मोटर बोट की सवारी हो चुकी है यमुना जी पे और अभी हम चल रहे हैं होटल वापस, क्योंकि बारिश थोड़ी सी ज़्यादा तेज़ हो गई है और हमारे कपड़े ऑलमोस्ट भीग ही चुके हैं। तो अभी हम होटल वापस जाते हैं, कपड़े चेंज करते हैं होटल से, फिर वापस हम करेंगे अपना वृंदावन का सफ़र शुरू। फ्रेंड्स, अभी बज गए हैं शाम के 5, जो सुबह हमें बारिश की वजह से वापस आना पड़ गया था। तो अब हम जा रहे हैं वही रूट पे जो मंदिर हैं उनको कवर करने, जिसमें राधा वल्लभ जी का मंदिर आएगा और देखते हैं और क्या क्या आता है। सो, अभी थोड़ी देर पहले बहुत तेज़ बारिश हो रही थी जिसकी वजह से हम नहीं जा पाए और हमें यहाँ पे वेट करना पड़ा रूम में। तो अभी हम जा रहे हैं और पहले राधा वल्लभ जी के दर्शन करते हैं, फिर मार्केट से थोड़ा सा सामान लेना है। तो चलो अब चलते हैं जो वहाँ पे मंदिर रह गए थे उनका दर्शन करने और थोड़ी सी मार्केट में शॉपिंग करने। तो चलिए अभी चलते हैं। पीछे मेरे हैं राधा रमन जी का मंदिर और अभी जो टाइम है वो है 5:50, जो मंदिर के द्वार जो खुलते हैं वो 6 बजे खुलते हैं, तो हमें 10 मिनट यहाँ वेट करना पड़ेगा। तो राधा रमन जी के लिए 10 मिनट का इंतज़ार तो बनता ही है, तो 6 बजने में सिर्फ 10 मिनट है और 10 मिनट हमने वेट करने हैं, फिर मंदिर के द्वार खुलते हैं और आके अंदर दर्शन करते हैं। अब मुझे नहीं पता अंदर फ़ोन अलाउड है कि नहीं है, वो सिचुएशन पे होगा। अलाउड होगा तो आपको ज़रूर मैं दर्शन करवाऊँगी, अगर नहीं होगा तो आप आइए ज़रूर। उम्मीद है कि आप लोगों ने अच्छे दर्शन किए होंगे, आप लोग भी दर्शन कीजिए और आइएगा भी ज़रूर। तो अभी हम चल रहे हैं अगले मंदिर की तरफ, हमने निधिवन जाना था बट निधिवन अभी बंद हो चुका है, वो आई थिंक 5 बजे तक या 4:30-5 बजे तक बंद हो जाता है। अभी चलते हैं बाकी मंदिरों की तरफ। राधे राधे। दर्शन है वो हो चुके हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारा सफ़र था आज के दिन का वो अच्छा लगेगा। अभी हम जा रहे हैं इस्कॉन और इस्कॉन के बाद हम जाएंगे अपने होटल। आई होप आप लोगों को आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। वृंदावन को एक ही व्लॉग में कवर करना बहुत मुश्किल है, तो इसीलिए इसके 2 एपिसोड्स आएंगे। ये था एपिसोड 1 और एपिसोड 2 के लिए आपको करना पड़ेगा चैनल को सब्सक्राइब और हिट करना पड़ेगा बेल आइकन। तो जिन्होंने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार दीजिए। हरे कृष्णा।